हेलो दोस्तों, कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाती विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देश भर से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पीएम मोदी भी इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। थिएटर्स खचाखच भरे हुए हैं और फिल्म देखकर लोगों की आंखें नम है। इस फिल्म को देखने वाले लोगों को कहना है कि कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को पर्दे पर देखना भी आसान नहीं है। इस फिल्म में कश्मीर में 1990 में हुए नरसंहार और कश्मीरी पंडितों के साथ दिल दहलाने वाले अत्याचार को पर्दे पर दिखाया गया है। फिल्म में एक ऐसा इंटरव्यू भी है जिसके बारे में जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। सच्ची कहानी को बयां करती इस फिल्म में बिट्टा कराटे के नाम से एक शख्स का इंटरव्यू है जिसकी चर्चा अब एक बार फिर चारों तरफ हो रही है। दरअसल फिल्म रिलीज होने के बाद इसी बिट्टा कराटे का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह खुद कश्मीरी पंडितों के मर्डर करने की बात मानता है। बिट्टा कराटे कहता है कि उसने करीब 20 लोगों का कत्ल किया था जिनमें ज्यादातर कश्मीरी पंडित थे। वीडियो में बिट्टा जब लोगों को मारने की बात करता है तो उसके चेहरे पर जरा भी दुख या पश्चाताप नहीं दिखता। वह कहता है कि उसे कत्ल करने का ऑर्डर मिलता था, अगर कहा जाता तो वह अपनी माँ और भाई को भी मार देता। बिट्टा कराटे उर्फ फारूक अहमद डार आज के समय में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन है। साल 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बाद बिट्टा कराटे राजनीति की दुनिया में उतर गया था। इंटरव्यू में बिट्टा कराटे ने नरसंहार को लेकर सारे आरोप कबूले थे, लेकिन बाद में वह इनसे पलट गया। कराटे ने खुद अपने राज खोले थे। कई हत्याओं का यह आरोपी बेल मिलने पर जेल से रिहा हो गया। दरअसल उसके खिलाफ तब ठोस सबूत नहीं मिल पाए थे। हालांकि उसने मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में खुद हत्याओं और बाकी गुनाहों के बारे में बताया था। बिट्टा कराटे ने इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि वह पाकिस्तान से 32 दिन की ट्रेनिंग लेकर आने के बाद आतंकी बना था। उसने बताया था कि वह जब केवल 20 साल का था तब स्थानीय प्रशासन से परेशान होकर आतंकी बनने का फैसला किया था। साल 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बाद बिट्टा कराटे राजनीति की दुनिया में उतर गया था। इंटरव्यू में बिट्टा कराटे ने नरसंहार को लेकर सारे आरोप कबूले थे, लेकिन बाद में वह इनसे पलट गया। आज भी वह जम्मू कश्मीर में रहता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।